हेलो, चलो वेलकम बैक। और अब इस वाले वीडियो में हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, अल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन हेलोअरिन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा रहा था। पिछला वीडियो सिर्फ एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिखाई थी एल्कोहल के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत सारी बातें डिस्कस की थी। अब सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रो कार्बन्स। अब हम लोग इस पूरे वीडियो में हाइड्रोकार्बन से किस तरीके से आप लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर सकते हैं आपके एल्काइल हैलाइड्स की, वो सीखेंगे। और हाइड्रोकार्बन में जो सबसे पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे सामने आती है, दैट इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल मेथड या मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये केमिकल रिएक्शन हम लोग करके देखेंगे। फ्री रेडिकल का मतलब पता है क्या? क्या आप लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का मतलब जानते हैं? अगर नहीं, सीख लो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास क्लोरीन है। आप सब जानते हैं क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में सात यानी कि सेवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक दूसरा क्लोरीन है, इस क्लोरीन ने आपका क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं। तो इसके क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 100% सेवन इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने आपस में क्या कर रखी है? शेयरिंग। और इस शेयरिंग की वजह से अब आपके ये क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने में मदद मिल गई है, और इस क्लोरीन को भी अपने ऑक्टेट पूरा करने में मदद मिल गई है। लेकिन जब इन दोनों क्लोरीन का झगड़ा होगा, जब ये दोनों क्लोरीन एक दूसरे से नाराज हो जाएंगे, और जब ये अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा करेंगे, ये बोलेंगे अपनी अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा करो, तो क्योंकि दोनों भाई बराबर हैं, दोनों क्लोरीन हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, मतलब दोनों की पावर बराबर है, इसलिए दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर खिसक जाएंगे। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा। तो जब इस तरीके से इनके बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा, तो आपको ये वाला क्लोरीन एक अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ देखने को मिलेगा, और दूसरा वाला क्लोरीन भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब इन दोनों क्लोरीन के पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये पूरी कोशिश करेंगे इसे पेयर करने की। एंड सच एटम्स आर कॉल्ड एज फ्री रेडिकल्स, और इन्हें ही हम लोग नाम देते हैं फ्री रेडिकल्स, इन्हें ही हम लोग फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। मतलब कि ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाने वाला हूं, इसमें कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होने वाला होगा, ठीक है? तो फ्री रेडिकल समझने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉरी फ्री रेडिकल्स को पढ़ना, ठीक है? तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंपाउंड है CH3, CH2, CH2, CH3। मैं इसकी रिएक्शन करवा दूंगा इन प्रेजेंस ऑफ, मतलब मैं इसकी रिएक्शन करा दूंगा क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एच न्यू, या मैं इसे हीट कर दूंगा। इतना करने पर, हीट करने पर या सनलाइट देने पर, ये जो आपका क्लोरीन है ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में टूट जाएगा। एक Cl अलग हो जाएगा, दूसरा Cl अलग हो जाएगा, दोनों क्लोरीन अलग हो गए। एक क्लोरीन चलेगा और इस कार्बन पर अटैक कर सकता है। इस कार्बन पर अटैक करते ही इस कार्बन से जो तीन हाइड्रोजन थे उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, और वो हाइड्रोजन को ये दूसरा वाला क्लोरीन पकड़ लेगा। आप बात समझ रहे हो ना क्या होगा? यहां पर दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन जाकर कार्बन पर अटैक करेगा, तो दूसरा बचा हुआ क्लोरीन जो कि खुद भी एक फ्री रेडिकल है, वो जाकर उसके हाइड्रोजन को पकड़ लेगा। तो रिएक्शन देखिए क्या होगी, यहां दिखेगा CH3, CH2, 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 एक हाइड्रोजन चला गया और हाइड्रोजन की जगह क्या लग गया? क्लोरीन। CH3, CH2, 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 Cl और H और X के मिलने की वजह से HCl रिएक्शन से बाहर हो जाएगा। आ रही है आप लोगों को बात समझ में? एक केस ये भी हो सकता है कि ये वाला क्लोरीन इस कार्बन की जगह इस कार्बन पर अटैक करे, क्योंकि ये आइसोमेरिक फॉर्म होगा, आइसोमर्स बनाने की कोशिश करेगा, तो ये क्लोरीन हो सकता है इस कार्बन पर अटैक करे, तो आपको एक प्रोडक्ट और देखने को मिल सकता है
CH3, CH2, CH, और यहां पर जुड़ गया है क्लोरीन, और यहां से जो हाइड्रोजन दूसरा वाला जो हाइड्रोजन था वो फिर HCl बन के बाहर हो जाएगा और यहां पर बच जाएगा CH3। तो इस तरीके से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। पॉइंट टू बी नोटेड कि इन दोनों कंपाउंड्स को बनेंगे दोनों केमिकल रिएक्शन इसकी जब इसके साथ होगी तो ये और ये प्रोडक्ट, प्लस साइन का मतलब है दोनों बनेंगे, हम इन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इन्हें अलग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। अगली केमिकल रिएक्शन जो कि अगेन हाइड्रोकार्बन से ही होने वाली है, उसको हम लोग बोलते हैं बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय इलेक्ट्रोफिलिक, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें मैं एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करूंगा, आई विल फॉर्म एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड। कैसे करूंगा ध्यान से देखेंगे हम लोग इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक हाइड्रोकार्बन है और मेरे पास बेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो मैं यूज कर सकता हूँ दैट इज टॉलविन। तो मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया हुआ है, आई हैव यूज टॉलविन, टॉलविन मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, इट इज कॉल्ड एज टॉलविन, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। तो अब हम इस टॉलविन की रिएक्शन कर रहे हैं X2 के साथ। बेटा X2 के साथ रिएक्शन तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये जो आपका हेलोजन है इट शुड बी ब्रोमिन और इट शुड बी क्लोरीन। मैं यहाँ पर आयोडीन का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, ना ही मैं यहाँ पर, ना तो मैं यहाँ पर आयोडीन का इस्तेमाल कर पाऊंगा, ना तो मैं यहाँ पर फ्लोरीन का इस्तेमाल कर पाऊंगा। रीजन समझे, बिकॉज फ्लोरीन इज वेरी रिएक्टिव। तो ये जो X2 है, अगर X2 की जगह F2 होगा यानी F2 का मॉलिक्यूल होगा तो वो दोनों फ्लोरीन अलग नहीं होंगे या इस पर इतना इजीली अटैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो आपस में जुड़े हुए, दे आर वेरी रिएक्टिव। एंड आयोडीन की बात करें बेटा, तो आयोडीन जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है, मतलब प्रोडक्ट बन जाएगा और फिर रिएक्टेंट की तरफ भागने की कोशिश करेगा। तो वहां पर आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक HNO3 का यूज करना पड़ेगा, तब आप वो रिएक्शन को आगे कर सकते हो, ठीक है। तो क्या पॉइंट याद रखेंगे हम लोग, पहला पॉइंट याद रखेंगे दैट F2 इज नॉट यूज इन दिस रिएक्शन, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स मोर रिएक्टिव नेचर। और दूसरा क्या याद रखेंगे हम लोग, आयोडीन इज नॉट यूज बिकॉज ऑफ इट्स रिवर्सिबल नेचर एंड therefore for such reactions strong oxidizing agents like HNO3 is required। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ज्यादा टेंशन ना लेते हुए इन दोनों का इस्तेमाल ही नहीं करते। हो गई बात क्लियर, वीडियो पॉज करके चाहो तो आप ये पॉइंट को लिख सकते हो, अदरवाइज अपने माइंड में रख सकते हो। हम जगह बना लेते हैं यहां पर और अब इस चीज को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा, ये रिएक्शन करी, याद रखिए यहां पर एक लुविस एसिड कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि मैं आयरन का यूज करूंगा। आयरन इज अ वेरी गुड लुविस एसिड, एक लुविस एसिड मेटल है, इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है और एक अच्छा कैटलिस्ट है, इसलिए हम लोग इसका यहां पर इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिएगा ये रिएक्शन डार्क में की जाती है, तो ये रिएक्शन डार्क में करेंगे। देखिए क्या होगा, ये बेंजीन की पैरा पोजिशन है, तो ये वाली पोजीशन कहलाएगी ऑर्थो, ये मेटा, ये ऑर्थो, ये मेटा, सॉरी ये पैरा, पैरा ऑर्थो, ऑर्थो मेटा मेटा। तो आपका हेलोजन जाकर दो जगह पर अटैक करेगा, एक तो टॉलविन के साथ इस ऑर्थो पोजीशन पर बैठ जाएगा
और दूसरा इस टॉलवीन के साथ पैरा पोजिशन पे बैठ जाएगा, ठीक है। हम लोग इसका नाम देंगे, इट इज ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरीन, और इसका हम लोग नाम देंगे इट इज पैरा सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरीन। अच्छा, बनेंगे दोनों, लेकिन दोनों में से ज्यादा क्वांटिटी किसकी होगी समझने की कोशिश करेंगे। इन दोनों में से सबसे ज्यादा मुझे कौन देखने को मिलेगा, समझो बात को। ये टॉलविन है, इसने यहां पर अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना रखा है, मतलब टॉलविन की प्रेजेंस की वजह से, टॉलविन मतलब बेंजीन के ऊपर जो CH3 लगा हुआ है उसके इलेक्ट्रॉन वहां पर बेंजीन के इस कार्बन के ऊपर चारों तरफ घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूम रहा है। उसके पास में कौन आ गया, उसके पास में आ गया आपका हेलोजन, और अब हेलोजन आया तो वो भी अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड घुमाने की कोशिश करेगा, और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके CH3 के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से टकराएगा। अब आप खुद इमेजिन करो कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो कि नेगेटिव चार्ज है, मेरे पास में एक और कोई आ गया जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, हमारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे ऐसे घूम रहे। अब दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स मतलब इलेक्ट्रॉन जिनका नेचर नेगेटिव है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का नेचर भी नेगेटिव होगा और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का नेचर भी नेगेटिव होगा। दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड नेगेटिव चार्ज आपस में टकराएंगे और सेम चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करने की कोशिश करता है, और रिपल्शन की वजह से ये दोनों दूर खिसकने की कोशिश करेंगे, और इस रिपल्शन की वजह से, इस तरीके का रिपल्शन होने की वजह से इस कंपाउंड की जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी, और इसीलिए हम इसको बोलेंगे दैट विल बी माइनर। और अब आप इधर इमेजिन कीजिए, अब यहां पर CH3 का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इसके बिल्कुल अपोजिट यहां पर आपके हेलोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। क्या दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, नहीं। क्या दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, नहीं। तो ना तो रिपल्शन है ना किसी तरीके का कॉन्टैक्ट है, तो सिंपल सी बात है, नो रिपल्शन, दैट विल बी मोर स्टेबिलिटी, एंड मोर स्टेबिलिटी विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आपको दो कंपाउंड देखने को मिलेंगे, एक तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन और एक पैरा सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑर्थो वाला माइनर होगा, पैरा वाला मेजर होगा। कोई आपसे पूछता है कि क्यों किस लिए, तो आप जवाब देंगे क्योंकि ऑर्थो वाला पैरा वाले के बहुत क्लोज होने की वजह से इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और उस रिपल्शन की वजह से रिएक्शन पॉसिबल नहीं, मतलब रिपल्शन की वजह से कंपाउंड में स्टेबिलिटी कम होगी। लेकिन पैरा वाले में अगर दोनों पैरा पोजिशन पर है, 1 और 4 पर है, तो इसका और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और इस वजह से इनकी आपस में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी रहेगी, एंड दे विल बी जिसको बोलना चाहिए दे विल बी मोर स्टेबल। और अगर मोर स्टेबल हैं तो इनकी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है, और इनका जो यील्ड होगी वो भी ज़्यादा होगी। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, केमिकल रिएक्शन होने पर ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, एक माइनर ज़रूर होगा, एक मेजर ज़रूर होगा, लेकिन इन दोनों को अगर आपको सेपरेट करना है, तो इनको सेपरेट करने का जो तरीका है दैट विल बी बेस्ड ऑन देयर मेल्टिंग पॉइंट्स, और वी कैन से बॉइलिंग पॉइंट। दोनों के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होंगे, और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन नाम की मेथड से आप इन दोनों कंपाउंड्स को एक दूसरे से सेपरेट आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको बड़े आराम से आप लोग यहाँ पर सेपरेट कर सकते हो, दे कैन बी इजिली सेपरेटेड, क्योंकि दोनों के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है उनके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। क्या यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई, ठीक है। इज देयर एनी डाउट, एनी काइंड ऑफ डाउट। तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय हाइड्रोकार्बन, जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, दैट इज अ नेम रिएक्शन। और बेटा ये नेम रिएक्शन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत 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 और एक बार और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान में रखेंगे। दैट इज कॉल्ड एज सैंडमेयर रिएक्शन। बहुत ज्यादा
हाईली इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है बेटा आप लोगों के लिए, प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा। सेंटमेयर रिएक्शन की शुरुआत होती है एनिलीन से। आपके पास एक अमाइन होना चाहिए, अराइल अमाइन, जिसका नाम मैंने रखा है NH2, ऊपर लगा दिया इसलिए इसका नाम हो गया है एनिलीन। तो बेटा इस एनिलीन को रिएक्ट कराया जाता है NaNO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हेलो एसिड, दैट इज योर HX। ठीक है, HX सर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं, आप इसकी रिएक्शन HX के साथ करवाएंगे। इसको ठीक कर देता हूँ, सैंडमेयर का नाम नहीं दिखेगा अदरवाइज आपको। तो ये हो गया आपका SANDT सैंडमेयर, ठीक है HX। और यहाँ पर जो टेम्परेचर आप लोगों को रखना है दैट इज 273 से 278 केल्विन्स। मतलब बेटा मान के चलो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अगर मेंटेन होगा तो आपका अमाइन, आपका एनिलीन विल बी नाउ कन्वर्टेड इनटू N2 पॉजिटिव X नेगेटिव एंड दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन। क्योंकि देखो बेटा बेंजीन की रिंग है, N2 ग्रुप इज कॉल्ड एज डायजो ग्रुप। तो बेंजीन डायजोनियम एंड दिस हेलोजन इज हेलाइड, तो इट्स नेम विल बिकम बेंजीन डायजोनियम हेलाइड। तो बेटा ये बेंजीन डायजोनियम हेलाइड का फॉर्मेशन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यहां पर HX में जो भी X आप यूज करोगे, ब्रोमीन, आयोडीन या क्लोरीन, फ्लोरीन यूज नहीं करना है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से जो यहां यूज करोगे वो यहां लग जाएगा, और यहां पर लगते ही हेलाइड की जगह अगर क्लोरीन लगा है तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इधर ब्रोमीन लगा तो बेंजीन डायजोनियम ब्रोमाइड, और अगर इधर आयोडीन लगा तो बेंजीन डायजोनियम आयोडाइड का इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद Cu2X2। यहां पर ध्यान रखिएगा हेलोजन कॉपर के साथ जो लगा होना चाहिए या तो क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन होगा, यहां पर आयोडीन भी यूज नहीं होगा, यहां पर सिर्फ क्लोरीन या ब्रोमीन ही यूज करेंगे। आयोडीन क्यों नहीं करेंगे आगे सिखाता हूं, फ्लोरीन क्यों नहीं करते, फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव है, वो इसको ही नहीं छोड़ेगा तो इससे जाके अटैच कभी होएगा ही नहीं। तो जैसे ही Cu2X2 के साथ रिएक्ट करोगे यहां पर आपका हेलोजन जुड़ जाएगा। हेलोजन कौन होगा, ये वाला, मतलब यहां पर जो हेलोजन लगेगा इधर इट कैन बी क्लोरीन और इट कैन बी ब्रोमीन। डायजो ग्रुप छोड़ के भाग जाएगा इसको, और इस तरीके से आपको आपका कंपाउंड देखने को मिलेगा। बेंजीन रिंग के ऊपर आपका हेलोजन जुड़ जाएगा, यहां से हेलोजन आ जाएगा क्लोरीन या ब्रोमीन, और ये डायजो ग्रुप है ये इसको छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं बेटा आप लोगों को? तो इस तरीके से सैंडमेयर रिएक्शन वर्क करती है। सैंडमेयर रिएक्शन को बड़े गौर से देखो, टेम्परेचर कंडीशंस ध्यान रखो, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि आपने क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन तो बना दिया, कभी आयोडीन लगाना हो, कभी आपको यहां पर आयोडीन अटैच करना हो तो क्या करेंगे? तो ठीक है बेटा, आयोडीन अटैच करने के लिए भी मैं आपको एक बात बता देता हूं, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो आयोडीन होता है उसको अटैच करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है। तो क्या करो इस वाले केस में, आपके बेंजीन डायजोनियम हेलाइड को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करके इसे 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 तेजी से स्टर कर दो। स्टर करते ही आपको यहाँ पर कोई कैटेलिस्ट लगाने की जरूरत नहीं, जैसे पिछले वाले केस में Cu2X2 लगाया था, यहाँ पर Cu2X2 लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आपका आयोडीन बन जाएगा N2 बाहर, और ये जो K है ये भी X बन के बाहर, एंड दिस विल बी योर आयोडो बेंजीन। तो बेटा इस तरीके से आपकी सैंडमेयर रिएक्शन वर्क करती है। तो इस वाले वीडियो में मैंने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन सिखाई है, एक वीडियो और लेकर आऊंगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन का, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर होता चले। अगले वीडियो में मैं आपके सामने बात करूंगा कि अल्कीन्स से अल्काइल हैलाइड्स कैसे बनाया जाए, और कुछ आपको हेलोजन एक्सचेंज मेथड जो कि अगेन नेम रिएक्शन है, एक फिंकलस्टीन और एक स्वार्ट रिएक्शन, दोनों में आपको समझाऊंगा।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। जो नए स्टूडेंट्स हैं, अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट जाकर चेक करो। प्लेलिस्ट के अंदर मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं सब चैप्टर वाइज बढ़िया तरीके से प्लेलिस्ट के अंदर अरेंज करके रखा हुआ है, आपको ढूंढने में किसी भी चैप्टर को प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखो वीडियोज़ को, ठीक है। और अगर कोई डाउट आ रहा तो कमेंट सेक्शन में पूछो, हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहो, बाय बाय।